विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर अपराधी को फिरोजाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कई फर्जी कंपनियों का डायरेक्टर बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। विभिन्न राज्यों में उसने हजारों करोड़ रुपए की ठगी की है। पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र जलेसर रोड निवासी पवन कुमार ने ठगी करने के मामले में आरोपी पे आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अमित सक्सेना, पुत्र विजयवीर सक्सेना निवासी शिवकुटी रानीबाग कॉलोनी धामपुर बिजनौर हाल निवासी सेक्टर 93 नोएडा के विरुद्ध 217 में फिरोजाबाद के थाना उत्तर में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। अब आकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण राजेश कुमार ने बताया कि उक्त आरोपी 6 फर्जी कंपनियों का डायरेक्टर बना बैठा था। उसके विरुद्ध 11 मुकदमे हरियाणा आगरा बिजनौर लखनऊ नोएडा में चल रहे हैं। जनपद फिरोजाबाद के साइबर सेल ने आज एक ऐसे बड़े फ्रॉड करने वाले कंपनी के साजिशकर्ता को पकड़ा है, जिसका नाम अमित सक्सेना है। ये मूल रूप से धामपुर बिजनौर का है, लेकिन वर्तमान में नोएडा में रह रहा था। इसने थाना उत्तर क्षेत्र में एक फर्जीवाड़ा किया था, जिसमें करीब 7,52,500 रुपये का इसने साजिश करके लोगों का पैसा ठग लिया था। इसके ऊपर 11 मुकदमे अगर देखा जाए तो इसने तमाम तरह की इस तरह की कंपनी फर्जी कंपनी बना के उसका डायरेक्टर बना बैठा हुआ है और लोगों को ठगता रहता है। करीब हजारों करोड़ रुपये का इसने अब तक फ्रॉड किया है और ये 2017 से मामला चल रहा था, जिसपे ये अभय जो सिसोदिया यहाँ के इंचार्ज, उन्होंने इसको लगातार ट्रैक करके इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इससे लगा पूछताछ हो रही है। इसके अन्य जनपदों के जो मामले हैं, हरियाणा के, लखनऊ के, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, तमाम मामले इसके ऊपर है, उनको भी इंटीमेट किया जा रहा है कि वो भी आके इससे पूछताछ करें अपने मुकदमों के मामले में। और इसका जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो इसने कंपनी बनाई थी पे वे आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 2016 में फर्जी रूप से रजिस्टर करा के बनाया था इसने। और उसमें ये इस तरह से कहता था कि पहले यूजर को कहता था कि 18,000 रुपये की धनराशि खाते में जमा कर दो, फिर एक वर्ष के लिए उसको रखता था, फिर यूजर को 350 लाइक क्लिक करने के लिए होते थे, जिसके लिए फिर ये कहता था 230 रुपये प्रति दिन रिटर्न देता था। इसी तरह दूसरा प्लान 57,000 का बनाया था, तीसरा प्लान 1,15,000 का बनाया था। कुल मिला के लगातार इसी तरह का करके लोगों को ठगी कर रहा था। और 2017 में शिकायतकर्ता पवन कुमार थे जलेसर रोड के, उन्होंने थाना उत्तर में इसके खिलाफ इस तरह का एक मुकदमा लिखाया था, जिसमें ये वांछित चल रहा था लगातार, और आज इसको गिरफ्तार करने में पुलिस को सहायता। शुरुआती जांच में कितने करोड़ का मामला इससे निकला? शुरुआती जांच में करीब 1,000 करोड़ से ऊपर ये बैठेगा जो इसने अभी तक फर्जीवाड़ा किया है। और ये बड़े इसमें कई थानों में, कई जिलों में, अन्य राज्य में भी इसके खिलाफ इस तरह के फर्जीवाड़े का मुकदमा लिखा गया है। सभी जांच के बाद भी एग्जैक्ट रूप से कितनी धनराशि का इसने फर्जीवाड़ा किया है वो बताया जा सकता है। ये अभी इससे पूछताछ लगातार चल रही है, अभी हमारी टीम इससे पूछताछ कर रही है, बहुत सारी चीज़ें इससे खुलासा होगी। ये सर ऑपरेट कहाँ से कर रहा था पूरे, जिस तरीके से अलग अलग जनपदों में इसने काम किया है पूरे जिले का? ये बेसिकली गाजियाबाद और नोएडा में ही अपना एक बना रखा था, वहीं से फर्जी कंपनी रजिस्टर करा लेता था और वहाँ से फिर लोगों को इस तरह से साइबर क्राइम करके ठगी कर रहा था।